तो भाई एक ही चीज है जो मैं कहता हूं हमेशा, देखो ज्यादा लाइफ में ना सही गलत के पचड़े में मत पड़ना, बस किसी काम को करने का समय सही गलत होता है। अभी क्या करना चाहिए, कॉलेज में क्या करना चाहिए, अभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ 2% लोगों का सिलेक्शन होगा, लेकिन एक बार सिलेक्शन हो गया तो कॉलेज में कोई आपको फेल नहीं कर सकता, तो कॉलेज में जाके मजे करने चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं मेडिकल कॉलेज में बहुत पढ़ना होता है, पढ़ना होता है, लेकिन फेल कौन करता है? जब जितना ही ज्यादा पढ़ना है इतना ही ज्यादा पढ़ना है, सच में बच्चे पढ़ते ही होंगे, लेकिन फेल तो कोई करता नहीं, तो फिर मैं कैसे मानूं कि ज्यादा पढ़ना है? नीट क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा पढ़ना है कि कॉलेज में जाकर ज्यादा पढ़ना है? तो भाई अभी ज्यादा पढ़ना है, और अभी की पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि भाई 1-2% लोग सेलेक्ट होने वाले जितने लोग फाइट कर रहे हैं, और वहां पे तो जो 100% पढ़ रहे हैं 100% के 100% पास करेंगे। तो हो सकता है कि वहां पढ़ना भी थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना होता। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं भाई, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना, नीट क्वालिफाई कर लोगे ना, यकीन मानो जब तुम नीट क्वालिफाई कर लोगे और कॉलेज में जाओगे, तो हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज में तुम्हें 5 गुना ज्यादा पढ़ना पड़े, 5 गुना ज्यादा पढ़ना पड़े, और तुम्हें लगेगा कि यार ये नीट वाली पढ़ाई तो एकदम बच्चों वाली पढ़ाई थी, समझना थोड़ा, नीट वाली पढ़ाई तो एकदम बच्चों वाली पढ़ाई थी, असली पढ़ाई तो ये है। हाँ, तो असली पढ़ाई वो है तो कोई फेल क्यों नहीं कर रहा? असली पढ़ाई तो वो होता है ना जिसमें 100 लोग पढ़ रहे हो, जिसमें 2 ही पास करे, असली पढ़ाई वो होता है। असली पढ़ाई वो नहीं होता है कि ज्यादा पढ़ना पड़े, ज्यादा कम से थोड़े कुछ फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है कॉम्पिटिशन से, फर्क पड़ता है प्रेशर से। प्रेशर है भाई साहब, यहाँ पे कॉम्पिटिशन फाइट करना है, जहां कभी कॉम्पिटिशन वर्ड लग जाता है ना वही पे प्रेशर आ जाता है। यहाँ पे प्रेशर नहीं है, समझ गए? तो ये ज्यादा मुश्किल है, ये ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, ये बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है, कई गुना ज्यादा मुश्किल है। और वो मुश्किल काम तुम कर रहे हो, और जब वो मुश्किल काम तुम कर रहे हो ना, तो कभी भी गिवअप मत करना, क्या भाई, कभी भी गिवअप मत करना इस मुश्किल काम को करते हुए। कई बार जब आप इस काम को कर रहे होते हो तो आप कॉम्पिटिशन करते हो अपने बैचमेट से, अपने पड़ोसी से, या फिर अपने किसी फ्रेंड से। अब सिर्फ इसी 3-4 चीजों में कंपटीशन क्यों करते रह जाते हो? कंपटीशन उनसे भी तो करो जो शायद इस तैयारी में घुस ही नहीं पाए, लाखों लोग होंगे। कंपटीशन उनसे भी तो करो जो कोटा नहीं पहुंच पाए। कंपटीशन उनसे भी तो करो भाई साहब जिनको इस तरह के प्रिपरेशन करने का मौका ही नहीं मिल पाया। हमेशा कंपटीशन आप अपने आप से ही क्यों करते हो? हमेशा कंपटीशन आप उनसे ही क्यों करते हो जो थोड़ा ज्यादा आगे निकल रहा है? कंपटीशन करना है तो पूरी दुनिया से एक साथ समझ के करो ना यार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे भी मंदबुद्धि हैं, तो उनको देख के कॉम्पिटिशन करो। किसी मतलब देखो, दुख गम सबको है, लेकिन जब अपने पीछे वाले को देखोगे तो लगेगा कि यार ये तो और ज्यादा दुखी है, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब सिर्फ कोटा की बात नहीं है, गिवअप करने की बात, मतलब सिर्फ कोटा की बात नहीं है, पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में जो बच्चे फील कर रहे हैं सबकी बात है। फीलिंग तो सबकी है ना भाई। कोटा में थोड़े से ज्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहां पे पेरेंट्स साथ नहीं होते, बाकी जगह पेरेंट्स साथ होते हैं, दोस्त होते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं। कोटा में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, है ना, कोई है नहीं वहां पे। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि नीट और जेई सब कुछ नहीं है। और भाई 2 तरह के बच्चे, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूंगा, बस 2 तरह के बच्चे, एक सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको दिक्कत आ रही है सवाल सॉल्व करने में, नंबर लाने में, टेस्ट देने में दिक्कत आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी दिक्कत आ रही है। एक वो बच्चे हैं जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, मस्त हैं, चिल हैं, तो इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो मस्त हैं, चिल हैं, तो इनको पता है कि मेरे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्टिव में उनसे रिजल्ट नहीं मिलता, जैसे आप भी कहते हो कि सर हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं लेकिन रफ्तार में नहीं होता, सर कई बार ज़्यादा समय लग जाता है क्वेश्चन को पढ़ने में, तो बुरा ही क्या है इसमें? ठीक है, ये रियलिटी, इसको एक्सेप्ट करिए और समय ज्यादा दीजिए और थोड़ा मेहनत ज्यादा करिए, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी सर। लेकिन डर लगता है ठीक नहीं हुआ तो, एक बात बताता हूं ध्यान से सुनना। तुम अगर ईमानदारी से मेहनत करते रहे तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल इंसान जरूर बनोगे। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें डॉक्टर ही बनना है कि सक्सेसफुल होना है? 2 बातें। क्या पता डॉक्टर से बड़ा ओहदा मिले तुम्हें, डॉक्टर से बड़े आदमी बनो तुम, क्या पता तुम मेहनत करते करते आगे तुम्हारे डेस्टिनी में क्या लिखा है, तुम 10 हॉस्पिटल खोलो, क्या नहीं पता ना किसी का। तुम अगर मान लो कि थोड़े बहुत प्रेशर की वजह से आके कोई गलत डिसीजन लेते हो, गिव अप करते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा डेस्टिनी क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम क्या बन जाओगे। डॉक्टर इज गुड, डॉक्टर का मतलब सक्सेसफुल होता है, मैं ये नहीं बोल रहा, और डॉक्टर ही बनना है ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर बनना और लाइफ में किसको चूज करोगे? डॉक्टर बनना और लाइफ में किसको चूज करोगे ये बताओ। कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने से ज्यादा रिजल्ट तुम्हारा लाइफ है ना यार, क्योंकि डॉक्टर बनना तुम्हारा पैशन है, जिद है, ये सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन लाइफ जो है ना वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। बस इतना याद रखना, ये लाइफ तुम्हारा नहीं है, ये लाइफ तुम्हारे घर वालों का है, ये लाइफ तुम्हारे भाई बहन का भी है। लाइफ कहीं ना कहीं
डॉक्टर बनने से भी ज्यादा है। अगर ये तुम कह रहे हो कि नहीं सर डॉक्टर मेरे लिए बड़ा है, तो तुम बेवकूफ हो, जिद्दी हो, ठीक है। सक्सेस पाने के लिए जिद जरूरी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम गलत हो। लाइफ से बड़ी चीज कोई नहीं है। डॉक्टर तुम्हारा अपना जिद है, तुम्हारे घर वालों का जिद है, लेकिन लाइफ तुम्हारे पेरेंट्स का भी है, तुम्हारे फैमिली का भी, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना बेटा, तो मेहनत को थोड़ा बढ़ा लो, प्रेशर में मत आओ। और सिर्फ अपने आसपास वालों से ही कंपटीशन नहीं करना है। हाँ कंपटीशन करना है, आगे निकलना है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन करना है। पहले खुद से कंपटीशन करना है, खुद से कंपटीशन करना है। कहीं पे अगर हमारी प्रॉब्लम है, कहीं पे हमें दिक्कत है, तो उसको हमें लड़ के उससे आगे निकलना है। हमें लड़ना है, हारना नहीं है। और भाई किसी टेस्ट में कम नंबर आने से मैं परेशान हो जाऊं और सोचता रहूं तो चीजें ठीक हो जाएंगी क्या? नहीं ठीक होंगी ना। चीजें ठीक कैसे होंगी? पढ़ने से होंगी, थोड़ा समय देने से होगा। और मैं बता रहा हूं ना, मैं सच बता रहा हूं, तुम तो वो टॉप 1% हो जिसको नीट की तैयारी करने का मौका मिला। नहीं तो जो 11 12 करते हैं, जो साइंस से भी पढ़ते हैं, जो डिजर्व करते हैं, वो भी उनको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती, अच्छा जगह नहीं मिल पाता, वो प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते हैं। तुम्हें तो मिल रहा है ना प्रिपरेशन करने के लिए, कहीं बड़े शहर से पढ़ रहे हो, कोटा से पढ़ रहे हो, कहीं भी पहुंच रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तुम ऑलरेडी उन बच्चों से 99% बच्चों से ऊपर हो जो बड़े शहरों में, बड़े कोचिंग में जाके पढ़ रहे हो। लाखों करोड़ों बच्चे भाई साहब जिनको वहां तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, लाखों की फीस नहीं दे पाए, बड़े शहर में रहना उनके लिए मतलब अफोर्डेबल नहीं है। तो ऑलरेडी 1% में हो तुम, टॉप 1% में हो, काहे परेशान हो रहे भाई? बहुत लोग हैं ऐसे, उनको क्या करना चाहिए फिर? ये प्लेनेट ही छोड़ के चला जाना चाहिए जो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं? क्या करना चाहिए उनको जो तैयार, जिनका सपना था लेकिन तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला? तो भाई कोई ऑलरेडी यहां पे और तुम ऑलरेडी यहां पे हो, तो भाई यहां से तुम कितना भी कुछ करोगे ना, यही रहोगे। मेहनत करो, मेहनत करो। और अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूं, देखिए दुनिया गोल है, तुम्हारा किया हुआ मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा, तुम तक वापस आएगा। तुम्हें लग रहा है रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मेहनत कर। सर मैं सवाल नहीं, कोई बात नहीं, लगा रहा मेहनत कर। सर सवाल पढ़ के नहीं समझ में आता हूं, कोई बात नहीं, हर सवाल को 20-20 बार पढ़ के किया कर। सर बहुत टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, समय दे। चल रिजल्ट नहीं आ रहे टेस्ट में, नंबर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, समय दे, समय दे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके इस बार 570-580 नंबर आए होंगे, 590 नंबर आए होंगे, 550 आएंगे, 525 आए होंगे। बेटा कोई बात नहीं, इतने नंबर लाना ना किसी के बस की बात नहीं है। आज मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जिनसे ज्यादा तुम जानते हो, जिनके 580 नंबर आए हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो भूखे तो नहीं मरोगे, इसकी गारंटी है, भूखे तो नहीं मरोगे। और भाई तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, उनकी बहुत उम्मीदें हैं, और उम्मीदें सिर्फ डॉक्टर बन के पूरा नहीं किया जा सकता, लाइफ में और भी बहुत कुछ है। और सिर्फ तुम्हारा काम ही थोड़ी ना यार, खुश रहना भी जरूरी है, लाइफ को आगे जीना भी जरूरी है। अभी कितनी उम्र है तुम्हारी भाई, कितनी उम्र है तुम्हारी? तो समझो मेहनत करोगे रिजल्ट जरूर मिलेगा, सक्सेसफुल जरूर होगी, मैं लिख के देता हूँ। तो सक्सेस की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ भाई, इतने अनुभव से कह रहा हूँ, सक्सेस की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, खाली लगातार मेहनत करता है। वेदर इट इज द सक्सेस मिलेगा या तो डॉक्टर के फॉर्म में या तो किसी और फॉर्म में, लेकिन सक्सेस मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम कॉम्पिटिशन कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा फ्रेंड से एक कदम आगे निकलता है या तुम्हारा भाई कोई रिलेटिव है वो डॉक्टर बन जाता है, तुम नहीं बन पाते हो, सिर्फ उसी से कॉम्पिटिशन करके जीवन नहीं चलेगा। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, 5 साल बाद ना किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। हाँ मेरी भी कंपटीशन की जाती थी किसी से, मैं आज तक कोई को एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया था। मेरे मौसी के लड़के थे, उन्होंने पॉलिटेक्निक क्वालिफाई किया था पहली बार में, मेरे से 2 साल बड़े थे वो, मेरे से 2 साल बड़े थे वो, उन्होंने पॉलिटेक्निक क्वालिफाई किया था और वो चले गए थे आईटीआई क्वालिफाई किया था, आईटीआई तो बहुत चीप है। हाँ भाई चीफ आईटीआई, मैं मानता हूँ चीफ आईटीआई, लेकिन एक समय था, या फिर मैं उस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे पॉलिटेक्निक और आईटीआई क्वालिफाई करना गर्व की बात होती थी। तो मेरे मौसी के लड़के ने ITI क्वालिफाई किया था, वो करते हैं, वो 12th के बाद नहीं 10th के बाद ही होता है, 10th के बाद का होता है, बहुत मतलब लोअर लेवल का मानते हैं वो, करके गवर्नमेंट नौकरी कहीं लग जाती है, टेक्निकल होता है। ITI तो IIT तो बहुत दूर की बात है, वो तो हजारों गुना ऊपर है। ITI क्वालिफाई किया था, पॉलिटेक्निक क्वालिफाई किया था, तो मुझे पूरे खानदान से हर जगह से ना, मामा से, फूफा से, मौसी से, मौसा से, घर वालों से धिक्कार मिला था कि यार तुम ITI क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैंने पॉलिटेक्निक का पेपर दिया, पॉलिटेक्निक मेरे से नहीं निकला, और उनका दोनों निकल गया था पहली बार में, वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, 2 साल बाद मैंने दिया था, 2 साल बाद नहीं निकला, 1 साल और दिया, मेरे से नहीं निकला मेरे से। और वो डिप्लोमा निकल गया था ना, तो मेरे पूरे खानदान में उस बात की चर्चा थी कि भाई इसका पॉलिटेक्निक निकल गया है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हुआ था उनका, पटना पॉलिटेक्निक कॉलेज में, और आज वो इंजीनियर हैं रेलवे में, आज क्या है वो इंजीनियर है रेलवे में। और मैं कुछ नहीं था, फिर मुझे बोला गया जाके दिल्ली में फैक्ट्री में काम करो, जो भी है ये सारा कुछ है, ठीक है। उस समय मैं गिव अप कर देता तो क्या होता,
क्या होता, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आज जितना मुझे लोग जानते हैं, जितना बच्चा को मैं पढ़ाता हूं, और अगर सक्सेस के लिए तुम्हारा पैसा ही सब कुछ है तो उससे 10 गुना पैसा मैं कमाता हूं। जितनी भी सरकारी नौकरी में पैसे होंगे उससे 10 गुना ज्यादा पैसा मैं कमाता हूं। तो लाइफ का रेस तुम इंस्टेंटेनियस देखते हो, लेकिन तुम एवरेज एक लंबे समय में देखोगे तो कौन कहां पहुंचेगा यह कोई नहीं जानता है, कौन कहां पहुंचेगा यह कोई नहीं जानता है। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि सच में अगर मेहनत कर रहे हो ना, हो सकता है 4 महीने तक तुमको कोई फर्क ना दिखे, लेकिन करते रहो बहुत बड़ा फर्क दिखेगा, और ऐसा फर्क दिखेगा ना कि आसपास वाला कोई टिकेगा नहीं, आसपास वाला कोई टिकेगा नहीं। तो मैं किसी मतलब मुद्दे पे बात करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कई बच्चों का अभी भी आ रहे हैं कि सर ये मुझे नहीं पता चल रहा, दिक्कत आ रही है सर, रिजल्ट नहीं आ पा रहा सर, नंबर नहीं आ पा रहे, सवाल सॉल्व नहीं हो रहे। ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, सिर्फ वही कर। और मैंने देखे भाई, इस साल भी देखे, एक लड़की थी, क्या नाम है उसका, मुस्कान सिंह थी क्या नाम है, नहीं पूजा, एक एमपी की लड़की है। जब वो कुछ 4th-5th क्लास में थी तो उनके फादर गुजर गए थे, तो उनकी मदर गाय भैंस पालती थी, पहले ही बताया था तुम्हें, खेत में काम करती थी। और वो ऐसे जगह से आती है, कोई बुंदेलखंड या एमपी में कोई जगह है, जहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता, लड़की को पढ़ाना मतलब गलत बात है, लड़की का काम है गोबर साफ करना और ये करना, ऐसा वहाँ पर मान्यता थी। और वो लड़की मेहनत करना शुरू की एकदम गाँव में बैठ के अकेले, उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है दुनिया में, करती रही। इस बार नीट क्वालिफाई की है, मेडिकल कॉलेज में जाएगी, इस बार नीट क्वालिफाई किया, मैं मेडिकल कॉलेज में जाएगी। तो उसका कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने कोट किया था कि हमारे जो टीचर है वो कहते थे कि तुम बस मेहनत करो, ये दुनिया गोल है, तुम्हारा मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा। और सच में बर्बाद नहीं जाता, अगर वो डॉक्टर नहीं बनती तो भी बर्बाद नहीं जाता, क्योंकि वो पढ़ के इतनी कुछ सीख चुकी थी कि वो बहुत अच्छा करेगी लाइफ में आगे चल के। और स्पेशली ऑनलाइन में जो बच्चे हैं ना, जो ईमानदारी से सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, भाई तुम्हारा प्रेशर तो और बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे से तो ना तुम्हारे साथ कोई दोस्त है बात करने वाला, ना ही तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे सामने टीचर है, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स इतने वो होंगे कि हमेशा सपोर्ट करते ही होंगे, गारंटी नहीं दे सकता, कुछ लोग के करते भी होंगे। लेकिन लोअर मिडिल क्लास की फैमिली को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, लोअर टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, थोड़े बहुत पैसे तो लोग ऑफलाइन चले जाते हैं तो लोअर टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे पिता और माता का जीवन संघर्ष में बीतता है 2 वक्त की रोटी के लिए, तो बच्चों को बिठा के समझाने का समय उनके पास होता नहीं है, ठीक है। तो ना तो तुम्हारा फ्रेंड्स का कोई सपोर्ट है, और ना तो तुम ऐसे जगह पे रहते हो जहां पे इन्वायरमेंट वैसा है, ना तो तुम्हारे फैमिली का इतना सपोर्ट है, लेकिन फिर भी तुम मेहनत कर रहे हो, तो उस मेहनत को बना के रखना, बस मैं इतना कहता हूं। क्योंकि पता है सक्सेस और अनसक्सेसफुल में लोगों में फर्क क्या होता है, कुछ लोग मेहनत करते 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 थक जाते हैं रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से, और रुक जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और कई लोग मेहनत करते 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 फेल होते होते सक्सेसफुल हो जाते हैं। भाई फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, फेल होना ही सक्सेस होने की सबसे पहली सीढ़ी है। बहुत बड़ी बात बोली यार, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, यस। तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी फैमिली सपोर्ट करती है, किसका एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं करता, किसकी एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, किसका फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा, किसका दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहा, सब कुछ छोड़ दे, पागल बन जा, अकेलापन ढूंढ, और ऑनलाइन क्लास करने के लिए कहीं हजारों 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपए की जरूरत है नहीं, एक कमरा, 2 वक्त की रोटी और कलम ही, बर्बाद कर दे कलम को खींच खींच के, मतलब 4,000 कलम खत्म कर दे, लिख, समझ गया, चल सॉरी। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए मुझे बिल्कुल ये बात करनी थी, ये मेरी दिल की बात थी कि ठीक है भाई, मतलब दिक्कत है ऑनलाइन में थोड़ा सा, मैं कहता हूँ ज्यादा ही दिक्कत है, ऑफलाइन से भी ज्यादा दिक्कत है, और कहीं किसी ऑफलाइन में कंपैरिजन होता है तो भाई मेरे ऑफलाइन के साथी हो, जरा ये समझो कि भाई तुम लोग ऑलरेडी बहुत आगे हो, ऐसे फैमिली से हो, कुछ ना कुछ करोगे, अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट की तैयारी करने की हिम्मत ही नहीं करी, छोड़ दिया, तो क्या लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ तो अच्छा करेगा, वो भी अच्छा करेगा, तू मेहनत कर रहा है, तू भी मेहनत करके कुछ सीखेगा, लड़ने की क्षमता तो क्रिएट होगी तेरे में अंदर। चल सॉरी, ये देखो, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुमको कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स